राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े व्यस्त इलाकों में भी लूट जैसी वारदात को अंजाम देने से ये बदमाश नहीं घबरा रहे। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कार में सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली। घटना के वक्त दुकान पर कई लोग मौजूद थे। तीन लोग अंदर आए थे, दूसरे ने पिस्टल, दो जो पीछे आए थे उनके हाथ में पिस्टल थी। अच्छा। और जो पहले आया था उनके हाथ में पिस्टल नहीं थी। आके हम दोनों पे पिस्टल लगा दी दोनों। अच्छा। और वो कह रहे कि नीचे बैठ जाओ। हम नीचे बैठ गए तो सारा सामान लेके फिर चले गए वो लोग। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। वैसे जिन बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया है, ये दुकान अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में काम कर चुके अभिनेता के भाई की है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। अपने सहयोगी सचिन बिंडाल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।